हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, ये जो रैली अभी मार्केट में चल रही है, ये करीब मिड मार्च से शुरू हुई थी और उस वक्त निफ्टी करीब 16,950 लेवल के आसपास था, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप देखिए तो मार्केट एक तरीके से नॉन स्टॉप रैली करते हुए 18,300 के लेवल तक पहुँच चुका है। तो निफ्टी ने करीब इस पूरे ड्यूरेशन में 8% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन क्या आपके स्टॉक्स निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं या अंडर परफॉर्म कर रहे हैं? और साथ में ये भी जानना ज़रूरी है कि वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं और अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो आइए पहले उन स्टॉक्स की लिस्ट को हम देखते हैं। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें हमने आपको दिखाया है कि 16 मार्च 2023 को क्या प्राइस था और 11 मई को क्या प्राइस था और कितना प्रॉफिट उसने दिया और साथ में 1 ईयर रिटर्न क्या रहा उस स्टॉक का। तो अगर आप इस स्टॉक को देखें तो नंबर 1 पे है जो वो ग्लेनमार्क है। ग्लेनमार्क ने करीब इस पूरे रैली में 34% का रिटर्न दिया है और अगर ईयर इस पूरे एक साल में भी अगर आप देखें तो 56% का रिटर्न दिया है। नंबर 2 में आता है चोला फाइनेंस और उसमें भी करीब 33% का रिटर्न दिया है। फिर आता है ऑरो फार्मा, कैन फिन होम, इंडिया मार्ट, टाटा मोटर्स, HDFC लाइफ एंड संजीत। तो इसमें से ज्यादातर आप देखिए तो फिनेंस और हेल्थ केयर की कंपनीज हमें ज्यादा दिख रही हैं, क्योंकि आप देखिए ये फिनेंस की है, ये फिनेंस की है, ये फिनेंस की है, ये आपकी फार्मा 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 और टू सम एक्सटेंट ये भी एक तरीके से आप इसको फिनेंस का प्रॉक्सी मान सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी और फिनेंस इंटरलिंक्ड होते हैं। तो इन स्टॉक्स में हमें बहुत ज़्यादा रैली देख रही है। और अगर आप पूरी लिस्ट देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं ये सारे स्टॉक्स जो हैं अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी इसमें आपको फिनेंस के स्टॉक्स देखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरी रैली जो है बैंकिंग और फिनेंस से ही ड्रिवन हो रही है। वहीं अगर हम लूजर्स को देखें तो वहाँ हमें क्या दिखता है, तो नो सरप्राइज सबसे ऊपर IT का स्टॉक है इन्फोसिस और इन्फोसिस ने करीब 10% का रिटर्न दिया है इस इंटरवल में, जहां पे निफ्टी ने 8% का गेन दिया है। 1 ईयर में भी अगर आप फिगर देखें तो 17% है। और इसके बाद आता है आपका क्रॉम्पटन, इप्का लैब, PVR, MCX, वोल्टास, ABFRL और जील। उसके बाद आपको टेकम, NDMC, डाबर, तो ये सारे आपको इस स्ट्रॉन्ग मार्केट्स में भी इन्होंने रिटर्न नहीं दिया है। दोस्तों, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि अगर आपको किसी स्टॉक का स्ट्रेंथ जानना हो तो उसे आप बेंचमार्क इंडाइसेस के साथ कंपेयर करें और उस स्टॉक को हम स्ट्रॉन्ग मानेंगे जो बुलिश मार्केट में आउट परफॉर्म करता है और जब मार्केट गिरता है तो उस पीरियड में कम गिरता है। तो इसे ऑफकोर्स आपको, चूँकि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपको थोड़े लंबे पीरियड में कंपैरिजन करना है। अब आइए दोस्तों थोड़ा पेंट सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पेंट सेक्टर के स्टॉक्स रिटेल और रॉबिनहुड्स में बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर है और उनमें रिटेल की शेयर होल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हाई लेवल पर चल रही है। तो आइए देखते हैं पेंट सेक्टर्स में क्या दिख रहा है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एशियन पेंट्स के जो रिजल्ट्स आए हैं वो कैसे रहे हैं। तो एशियन पेंट्स का अगर आप रिजल्ट देखिए तो नेट प्रॉफिट में 45% का हमें जंप देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है और इसने जो है जो एस्टिमेट्स थे एनालिस्ट के उनको भी बीट किया है। रेवेन्यू में भी 11% का हमें गेन देखने को मिला है। तो जो नेट प्रॉफिट अगर आप देखिए इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ा है, लेकिन उस हिसाब से रेवेन्यू नहीं बढ़ा है। उसका कारण क्या है कि उनके मार्जिन्स जो हैं बढ़े हैं और मार्जिन्स इम्प्रूव होने का क्या रीज़न है, क्योंकि क्रूड जो है उसमें भारी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो लास्ट ईयर मई में ये करीब 107 रुपीज़ के आसपास था और अभी ये 75 लेवल के आसपास चल रहा है। तो इतना इनको बेनिफिट मिला है और चूंकि क्रूड जो होता है वो इनका एज एन इनपुट यूज़ होता है, तो उसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स इतने ज़्यादा अच्छे आए हैं। रेवेन्यू 11% कंसिडरिंग द करेंट सिचुएशन, तो उसको हम बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन रीजनेबली वेल हम कहेंगे कि एवरेज से अच्छा इस कंपनी ने परफॉर्म किया है। इंटरनेशनल मार्केट में एशियन पेंट के लिए थोड़े से नेगेटिव न्यूज़ है, तो उनके सेल्स जो हैं 2.7% डाउन रहे हैं
तो ये एक नेगेटिव है कि इंटरनेशनल सेल्स उनके बढ़ रहे हैं, और ये हमें ये भी बताता है कि देखिए ग्लोबल सिनेरियो बहुत अच्छी नहीं है, और जो भी कंपनीज जो है एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी उनकी होती है रेवेन्यू पे, तो उनके जो है प्रॉब्लम्स आएंगे। तो अगर हम रिजल्ट्स को देखें तो इन रिजल्ट्स को किसी भी तरीके से हम खराब नहीं कह सकते, लेकिन फिर अगर आप अगर पेंट स्टॉक्स को देखिए तो वो प्रेशर में क्यों है, क्यों उनके स्टॉक्स अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, भले ही वो एशियन पेंट्स हो, चाहे वो नेरोलॉक हो, चाहे इंडिगो हो, उनके स्टॉक प्राइस को देखिए, अगर पॉजिटिव रिटर्न आपको दिखेगा अभी तो वो निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी कारण क्या है कि FIIs इन स्टॉक्स में जो है लगातार अपनी होल्डिंग्स को घटा रहे हैं, और अभी पिछले क्वार्टर में उन्होंने खास करके पेंट स्टॉक्स, तीनों पेंट स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को घटाया, और वो मैं डेटा आपके साथ शेयर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि क्यों वो अपनी होल्डिंग्स को घटा रहे हैं। तो अगर हम पिछले क्वार्टर यानी कि जो मार्च 31st को कंप्लीट हुआ था उससे हम दिसंबर क्वार्टर को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं ये तीनों पेंट कंपनीज में FIIs ने अपने स्टेक को कम किया है। तो अगर आप देखिए तो एशियन पेंट में 18% से 17% हो गया है, बर्जर पेंट में 11% से 10% हो गया है, और इंडिगो में भी उन्होंने करीब 2% 1.5% के आसपास स्टेक को कम किया है। तो तीनों में आप देखिए तो उन्होंने अपने स्टेक को कम किया है, और रिटेल की होल्डिंग जो है इनमें बढ़ी है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्यों पेंट के बिजनेस में FIIs अपने स्टेक को कम कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली कम कर रहे हैं, और उसका कारण क्या है। तो अभी तक तो इन कंपनीज का पूरा एकदम दबदबा था पेंट मार्केट में, लेकिन अब नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं। काफ़ी टाइम से अगर आप पेंट सेगमेंट को देखें तो इन दो कंपनी एशियन पेंट और बर्जर पेंट का ही दबदबा रहा है, और इंडिको एक डिस्टेंट थर्ड हम इसे मान सकते हैं, लेकिन अब जो है दो नई कंपनीज मार्केट में आ रही हैं और बड़े स्केल पर आ रही हैं। तो पहला तो 2019 में JSW जो है वो पेंट सेगमेंट में घुसा था, लेकिन वो जो है डेकोरेटिव पेंट्स में नहीं आया था, लेकिन अब वो वहाँ पर भी एक्सपैंड कर रहे हैं। और दूसरा ग्रासिम, ये भी पेंट सेगमेंट में एंट्री कर रहे हैं, और इन्होंने करीब 10,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें कर रहे हैं, और ये भी जो है डायरेक्ट इनके कंपटीशन में आ जाएंगे। तो अब ये स्पेस थोड़ा क्राउडेड हो जाएगा। ये कुछ ऐसी सिचुएशन थी जैसे टेलीकॉम के फील्ड में जब जियो ने एंट्री ली थी, तो इसे एक जियो मोमेंट भी कहा जा रहा है। तो इस वजह से FIIs, क्योंकि देखिए स्टॉक्स तो बहुत ज़्यादा चीप तो है नहीं, इन स्टॉक्स को आप चीप नहीं कह सकते, हाई वैल्यूएशंस पर हैं, और मार्जिन्स भी हैं। अभी फिलहाल तो मार्जिन्स बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन्स जो है क्रूड जैसे ही बढ़ता है तो वो प्रेशर पे आते हैं, तो इस लेवल पर उनको जस्टिफाई करना FIIs को थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए वो एग्जिट कर रहे हैं। अब आइए थोड़ा मार्केट की भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कल के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से निफ्टी और उसके पुट कॉल रेशियो में हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है और पुट कॉल रेशियो नीचे जा रहा है, तो बेसिकली जिस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है तो ऑप्शंस मार्केट की पोजीशंस उसको जस्टिफाई नहीं कर रही है या सपोर्ट नहीं कर रही है। और आज चूंकि वीकली एक्सपायरी के बाद फ्रेश सीरीज शुरू हुई थी, तो आज हमें क्या देखने को मिलता है, तो आज भी अगर आप देखिए तो पुट कॉल रेशियो थोड़ा नीचे ही जाता है, मार्केट भी ऑलमोस्ट फ्लैट से थोड़ा बुलिश टेरिटरी में रहा, नीचे के लेवल से रिकवरी भी किया, लेकिन पुट कॉल रेशियो इज डाउन। हालांकि ये जो ब्लू लाइन है जो कि एवरेज है, मूविंग एवरेज है पुट कॉल रेशियो का, उसमें हमें बढ़त देखने को मिली है। फिर भी अगर आप देखिए तो यहां पर डाइवर्जेंस क्लियर हमें दिख रहा है, तो इस वजह से डेरिवेटिव्स मार्केट की पोजीशंस के हिसाब से मार्केट में अब शॉर्ट पोजीशंस बन रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट इमीडिएटली गिरने लगेगा, क्योंकि दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब इतनी शार्प रैली होती है तो उसका फॉल सडन नहीं होता है, थोड़ा गिरता है, थोड़ा चढ़ता है और बेस बनाकर फिर वो गिरता है। तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली गिरना शुरू करेगा, लेकिन ऐसा इंडिकेशंस इसको देख के लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनने शुरू हुई है। तो दोस्तों अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अभी हमें शॉर्ट नहीं करना है, निफ्टी में हमें लॉन्ग ही रहना है, और जिस तरीके का ये वेव पैटर्न बना रहा है अगर आप देखिए तो ये अगर इसको हम वेव वन माने, इसको वेव टू माने, तो यहाँ पर मिनिमम हमें 18,450 तक मिनिमम जाना है। हालांकि 18,400 इसने कल को
हाई ऑलरेडी टच कर दिया था, लेकिन अभी भी थोड़ा स्कोप है इसको ऊपर जाने को। लेकिन ये जो लेवल है 18,450 और 18,500, ये बड़ा क्रिटिकल है। यहाँ पे जाकर वो एक छोटा मोटा करेक्शन दे सकता है और वहाँ से दोनों पॉसिबिलिटी हैं, उसके बाद न्यू हाई को भी जा सकता है और वहाँ से जो है वापस से बड़े करेक्शन भी हो सकता है। तो अभी हम ये कन्फर्म नहीं कह सकते कि ये इस लेवल पर कैसे रिएक्ट करेगा। तो ओवरऑल अगर आप अच्छे प्रॉफिट पे हैं तो इन लेवल्स पर हमें एग्जिट का सोचना चाहिए। और एक बार जब 18,500 के लेवल को कन्विंसिंगली क्रॉस करता है तभी हम एक बड़े मूव के बारे में सोच सकते हैं 19,000 से ऊपर के। तो इस लेवल पर हमें काफ़ी ज़्यादा कॉशियस रहना है। हमने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि अगर आपको फ्रेश पोजीशंस बनानी है शॉर्ट टर्म के लिए तो 18,322 इस लेवल के ऊपर ही हमें करना है। आज ब्रीफली इस लेवल के आसपास पहुंचा लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। तो अगर सस्टेन होता है तभी हमें जो है शॉर्ट टर्म की बुलिश पोजीशंस बनानी चाहिए, अदरवाइज आप फेंस पे बैठिए। और इस लेवल का जो स्टॉप लॉस होगा वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था 18,162। तो इन लेवल्स पे हमें निफ्टी में बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है क्योंकि इस वक्त जो है ना बेयर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो मूव कर रहे हैं और ना बुल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मूव कर रहे हैं। तो एक इनडिसाइसिवनेस का जो है साइन यहाँ पर हमें दिख रहा है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, तो बैंक निफ्टी में दोस्तों मैंने कल के आपके साथ शेयर किया था कि वहाँ पर अब शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई हमें दिख रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत हमें शॉर्ट करना है, हमें अपने लेवल्स का वेट करना है। फिलहाल जो है चूंकि ट्रेंड इतने टाइम से चल रहा है तो थोड़ा उसका फॉलोअप एक्शन हमें कुछ टाइम तक देखने को मिल सकता है, लेकिन हमें अपनी पोजीशंस को यहाँ पर लाइटन करने का सोचना चाहिए। और अगर हमें इस पर सेल करना है, और जो लेवल मैंने आपके साथ शेयर किए थे वो थे 42,946, ये लेवल जब क्रॉस होगा क्लोजिंग बेसिस पर नीचे की तरफ तभी हमें जो है पोजिशनल शॉर्ट्स को बनाना है बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।